वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम चार इंच की आदत की हासिल वाली तफरीक करते हैं। यहाँ हमें 6134 में से 2516 को तफरीक करना है। हम जानते हैं कि तफरीक करते वक्त सबसे पहले हम इकाई में से इकाई की तफरीक करेंगे, फिर दहाई से दहाई की, सैकड़े से सैकड़े की, और आखिर में हज़ार में से हज़ार की तफरीक की जाएगी। सबसे पहले इकाई की तफरीक करते वक्त हमें यहाँ चार तफरीक छः करना है, लेकिन चूंकि चार छः से छोटा है, हम यहाँ चार में से छः को तफरीक नहीं कर सकते। ऐसे वक्त हम देखेंगे कि उसका अगला हिस्सा, दहाई वाले हिस्से को यहाँ पर खोलेंगे। दहाई वाले हिस्से को खोलकर उसमें से एक दहाई हम इकाई में लेंगे, यानी हम यहाँ पर तीन दहाई को कट करेंगे तो वो रह जाएगा दो दहाई। इसका एक दहाई इधर लेंगे तो ये एक दहाई चार इकाई हो गया 14। अब 14 चूंकि 6 से बड़ा है, इसलिए हम 14 तफरीक 6 करेंगे। 14 में से 6 गए, कितने रहे? 8। इसके बाद यहाँ पर दहाई 2 है और यहाँ पर 1 है। अब चूंकि 1 2 से छोटा है, इसलिए हम आसानी से इनकी तफरीक कर सकते हैं। 2 तफरीक 1, रह जाएगा 1। अब सैकड़े के मकाम पर एक सैकड़ा और 5 सैकड़ा तफरीक करना है। यहाँ पर भी 1 5 से छोटा है, इसलिए हम 1 में से 5 नहीं निकाल सकते। तो 6000 को हम खोलेंगे तो 6000 में से 1000 यहाँ चला गया, यहाँ रह गया हमारा 5000। अब कितने सैकड़ा हो गए? 11 सैकड़ा। 11 में से 5 सैकड़ा आसानी से तफरीक हो सकते हैं। 11 में से 5 गए, कितने रहे? रह गए 6। अब आखिर वाला मकाम, यहाँ पर 5000 है और 5000 में से 2000 तफरीक करना है। 5000 में से 2000 आसानी से तफरीक हो सकते हैं, रह गए तीन। यानी 6134 तफरीक 2516, बाकी बचे 3618। तो ये हो गई चार इंची आदाद की हासिल वाली तफरीक। अब हम देखते हैं कि खड़ी तरतीब में लिखकर किस तरह से तफरीक की जा सकती है। यहाँ हमें 4000 में से 2999 को तफरीक करना है। तो सबसे पहले 4000 को इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार में लिख लेते हैं। इसी तरह 2999 को भी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार में लिख लेंगे। सबसे पहले हमें इकाई में से इकाई तफरीक करना है, लेकिन हम जानते हैं कि सिफर इकाई में से 9 इकाई तफरीक नहीं हो सकते, इसलिए हम देखेंगे कि दहाई के मकाम पर हम क्या हासिल ले सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर भी सिफर है, तो हम यहाँ से भी दहाई में हासिल नहीं ले सकते। हम देखेंगे कि क्या हम सैकड़े में से ले सकते हैं, तो यहाँ सैकड़े के भी मकाम पर सिफर है, इसलिए वो भी हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4000 को यहाँ पर हम खोलेंगे। 4000 को हम यहाँ पर खोलेंगे तो 4000 का यहाँ पर 1000 बाजू में चला जाएगा, यहाँ बचेंगे 3000। अब एक सैकड़ा यहाँ मिलने से ये बन जाएंगे 10 सैकड़ा। चूंकि हमें बाजू में और हासिल लेना है, इस 10 सैकड़े को भी हम यहाँ पर खोलेंगे और एक दहाई में दे देंगे, तो ये रह गया 9 सैकड़ा और बन गया 10 दहाई। अब 10 दहाई को भी हम खोलेंगे और इकाई में एक दहाई को हासिल दे देंगे। दहाई में से एक हासिल जाने के बाद यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 9 दहाई और यहाँ हो जाएंगे 10 इकाई। अब 10 इकाई में से 9 इकाई को बआसानी हम तफरीक कर सकते हैं। बताओ बच्चों, 10 इकाई में से 9 इकाई गए, कितने इकाई बचे? बचे यहाँ पर 1 इकाई। अच्छा, फिर दहाई में से दहाई निकालना है, 9 दहाई में से 9 दहाई चले गए, कितने बचे? बच गए 0 दहाई। में से 9 सैकड़ा निकालेंगे, कितने बचे? 0 सैकड़ा। अब आखिर में 3000 में से 2000 निकालेंगे, कितने बचे? 1000। यानी 4000 में से
2999 को तफरीक करें तो बाकी बचते हैं 1001। इसी तरह की और मिसालें बच्चों से मश्क करवाएं।